हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद विनी। और आज की वीडियो में कॉमर्स प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 है, जो कि हिंदी में है। और इसका टॉपिक रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदी में संयुक्त स्कंद कंपनी। और इसमें इसके क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं, तो ये 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। और इससे पहले 5 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, संयुक्त कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ। जो संयुक्त कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था, 1956 में, 1956 में। संयुक्त स्कंद प्रमंडल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो कौन सी है। इसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि में निहित है, ये वैसे किसी को दिखाई नहीं देती, ये एक ओरिजिनल पर्सन नहीं है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का चार्टर कहते हैं, कंपनी का चार्टर किसको बोलते हैं, पार्षद सीमा नियम को। कंपनी के संबंध में क्या सत्य है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, सही। कंपनी का अस्तित्व अपने स्वामियों अंशधारियों से अलग होता है, यस। कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, सदस्यों के आने जाने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजी कंपनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन अधिक तर्कसंगत है, जो कि अधिक सही है, तो इसमें है, उसे अपने अंशों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा देने चाहिए, ये अधिक तर्कसंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजी कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा असत्य है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ये असत्य है, जबकि वो सीमित होता है। सार्वजनिक कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य यह है कि कंपनी की स्थापना कम से कम 2 सदस्यों द्वारा की जा सकती है, ये असत्य है, उसमें कम से कम 5 या 7 सदस्य चाहिए होते हैं। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी का उदाहरण है औद्योगिक वित्त निगम, ये समामेलित कंपनी का उदाहरण है। प्राइवेट कंपनी की स्थापना के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 2। पब्लिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या कितनी होती है, 7। अगला क्वेश्चन, निजी कंपनी में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 50 सदस्य। सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो अधिकतम इसमें असीमित होती है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। कंपनी विधान द्वारा संचालकों की न्यूनतम संख्या किस प्रकार निर्धारित है, संचालकों की न्यूनतम संख्या, याद रखिएगा सदस्यों की नहीं, संचालकों की, तो यह है सार्वजनिक कंपनी में 3 और निजी कंपनी में 2 मिनिमम होने चाहिए। कंपनी के समामेलन से पूर्व किए गए अनुबंधों को क्या कहते हैं,
प्रारंभिक अनुबंध। संयुक्त स्कंद कंपनी का पंजीयन, जो संयुक्त स्कंद कंपनी होती है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य होता है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कि कंपनी के समामेलन में हिस्सा लेता है। निजी कंपनी व्यवसाय आरंभ कर सकती है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद। समामेलन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के बाद निजी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र, जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो दाखिल कर सकती है? तो कंपनी जिसने प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, किस दशा में एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी बन जाती है? तो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती है? केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करके, सही है, अंतर नियम को परिवर्तित करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों, ए और बी ऑप्शन दोनों, तो सी इसका आंसर है। कंपनी निर्माण के लिए कौन सा प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अनिवार्य है? तो कौन सा अनिवार्य है? पार्षद सीमा नियम। किस कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य नहीं है? निजी कंपनी को। एक निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित रहता है, सही है, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है, करेक्ट, जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निमंत्रण देने पर प्रतिबंध रहता है, करेक्ट, तो उपरोक्त सभी रहते हैं एक निजी कंपनी में, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निजी कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, अंशों के सम मूल्य तक निजी कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। निजी कंपनी के मामले में वैधानिक सभा बुलानी आवश्यक नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद अंतर नियम की तालिका ए को अपना सकता है? सार्वजनिक कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसको नहीं पड़ती? निजी कंपनी को। एक सरकारी कंपनी जिसमें 51% 51% अंश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, ऐसी होती है सरकारी कंपनी। ओके, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो 2-3 वीडियो में हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू।